इस्लामी फाइनेंस की बात करेंगे लेकिन खुद झूठ बोलेंगे इस्लामी फाइनेंस की बात करेंगे लेकिन खुद रिश्वत लेंगे इस्लामी hmm. फाइनेंस की बात करेंगे खुद सूद कमाएंगे hmm. तो मतलब जब आप ख़ुद ये काम कर रहे होते हो फिर आप सवाल करते हो इस्लामी फाइनेंस के ऊपर अपने एम्प्लॉज सबॉर्डिनेंट से अच्छा सलूक करना ये ख़ुद एक ऐसा फैक्टर है जो अपनी इनकम इंक्रीज करता है बस्मिल्म अलकुम आखिरी प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे मुबारक की रेजोल्यूशनस पर मैं सामिन कराम से दरख्वास करूँगा कि आप हज़रा भी हमें बताइए कि इस रमज़ान आपकी क्या रेज़ोल्यूशन है और आप क्या चाहते हैं कि रमज़ान मुबारक आप कैसे गुजारें रम़ानमारक को गुजारने का एक इस्पेक्ट तो यह है कि हम इबादत करें और दूसरा इस्पेक्ट ये है कि हम अपने मामला को इम्प्रूव करें ज़बरदस्त बात की आपने और आपको पता ही है कि दीन में दीन का सत्तर परसेंट कंट्रीब्यूट करता है मामलात के ऊपर एक्जैक्टली लेकिन हमने सारा डिपेंड किया थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट के ऊपर वो है इबादात के ऊपर मामला के ऊपर इतना फोकस ही नहीं करते अच्छा मामला का भी कोर एरिया जो है ना वो है फाइनेंशियल ईशूज़ आप तो, तो, तो ख़ुद माशा इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं आ, आप फरमाइए आप किस तरह देखते हैं हमारे सोशल फैब्रिक को वेजरवी जो इस्लामिक फाइनेंशियल इशूज़ हैं देखें असल में बहुत सारी बातें होती हैं इस मामले में कि इस्लामी फाइनेंस क्या है क्यों है सही है या नहीं है इसमें कुछ यकीनन जो स्ट्रक्चर के वाइज है ना वो तो मामला बिल्कुल ठीक है उसमें तो कोई इश्यूज नहीं है लेकिन हमारे यहाँ अमूमी तौर पे जो आम मसले मसाइल है ना वो उसको मामला को ख़राब कर देते हैं जैसे इस्लामी फाइनेंस की बात करेंगे लेकिन खुद झूठ बोलेंगे इस्लामी फ़ाइनेंस की बात करेंगे लेकिन खुद रिश्वत लेंगे इस्लामी hmm. फाइनेंस की बात करेंगे खुद सूद कमाएंगे hmm. तो मतलब जब आप खुद ये काम कर रहे होते हो फिर आप सवाल करते हो इस्लामी फाइनेंस के ऊपर मैंने बड़े लोग देखे आते हैं आके सवाल करते हैं यार आप लोग तो नजायज़ तरीके से काम करते हो या इस्लामी फाइनेंस नजायज़ तरीक़े से काम होता है ख़ुद हालांकि यहाँ उनके यहाँ वो वो गल, वो गलत काम हो रहा होता है जिनकी कोई उनकी नज़ीर नहीं मिलती और हम इसे समझते हैं हमारा बड़ा मसला है हम समझते हैं कि सिर्फ सूद ही हराम है और ये हालांकि हराम मामला तो बहुत बड़े हैं आपको आप बेहतर जानते हैं उस मामला में रिश्वत भी हराम है आपकी हेरस भी हराम है मतलब तो कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं इसको? ये वो जो आयत मुबारक है वहीफ़िन ज़रा पढ़िएगा वहीफ़िन यानी देखिए कितनी कमाल की आ आयत मुबारक में बात हो रही है कि हलाकत है उन लोगों का यानी सत्यानाश है उन लोगों का जो नाप तोल में कमी करते हैं अब ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है अच्छा बिजनेस कम्युनिटी से तो हमारा भी ताल्लुक़ है इतना दिल दुखता है ना हमारे पाकिस्तानी खासतौर तो पर जो एक्सपोर्ट करते हैं ना जी। वहाँ पे पहली कंसाइनमेंट ठीक भेज देंगे दूसरी कंसाइनमेंट ठीक भेज देंगे तीसरी में गड़बड़ कर देंगे बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही और हम लोग ना छोटे छोटे पैसे बचाने के लिए चीज़ों करने के लिए रेमिटेंस को अवॉइड करते हैं ताकि हमें टैक्स ना पड़े चीज़ें ना पड़े मतलब अजीब अजीब मसले मसाइल हमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट से देखने पड़े ठीक है ना ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि कुरान शरीफ ने इसको बाकायदा एड्रेस किया है कि नाप तोल में कमी करने वालों के लिए हलाकत है हलाकत है सही बात है वाकई और नाक तोड़ में कमी कितनी ज़्यादा हमारे यहाँ आमों तौर पर हो रही होती है अभी आप देख रहे हैं ना प्राइसेस देख रहे हैं आप रो रमज़ान शुरू हुए और ऐसे प्राइसेस टिगर ऑफ़ करी हैं वैसे ही खैर हमारे यहाँ तो आजकल इकोनॉमिक क्राइसिस है अदर दैन डैट भी हमारे यहाँ प्राइसिस स्पाइक आ रही है प्राइस में और बेसिक रीज़न क्या है रमज़ान हमारे लिए रमज़ान रिलीजियस इवेंट से ज़्यादा सीजन होता है कमर्शियल इवेंट्स भी है ना और उसमें ना दूसरे एंगल भी है हमारी अपनी प्रायोरिटीज भी है ना हम लोग खाने पीने पे हमारी इतनी ज़्यादा तोज्जो होती है कि ऑटोमेटिकली उनको नजर आता है यार बटाइए अब आप देखें ना यार आप क्या करें आप फ्रूट्स नहीं लेंगे हाँ। आप वेजिटेबल्स नहीं लेंगे हाँ। आप मीट नहीं लेंगे ये कोई यानी ये थोड़ी है कि आप लग्जरियस बातें कर रहे हैं ये तो बेसिकली नेसेसिटीज ऑफ़ लाइफ है ना बिल्कुल है तो इसकी प्राइस देख लें आप हाँ नहीं प्राइस तो वाकई बहुत ज़्यादा हमारी जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही होती है देखिए प्राइस इंक्रीज़ होती है वैलिड बात है बिल्कुल लेकिन आप एक बात देखिए ना वेस्टर्न कल्चर क्या है और हमारा कल्चर क्या है वेस्टर्न कल्चर क्या होगा कि वहां क्रिसमस आएगा वहां कोई उनकी नेशनल सेलिब्रेशंस होंगी प्राइसेस डिक्रीज कर जाएंगी ट्वेंटी थर्टी फोर्टी जो भी उनका एक रेशियो है वो डिक्रीज कर जाएगा हमारे पाकिस्तान में बिल्कुल उल्टा है हम प्राइसेस इंक्रीज़ कर देते हैं और मेरा ख्याल है ग्लोबल आ, मुस्लिम इन्वायरमेंट ये है कि वहाँ भी प्राइसेस इस तरह स्पाइक हाँ, नहीं करते हैं अब जैसे अब अगर हम तुर्की के मिसाल हैं तुर्की है की तो वहाँ पे भी सर्टेन परसेंटेज प्राइस डिक्रीज़ होती है ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट अप्रोक्सीमली वो इतना डिक्रीज़ करते हैं ताकि वहाँ के लोगों को अच्छा वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती देखें बिजनेस की भी अप्रोच ये होती है कि वो लीस्ट इंसेंटिव uh, ले ले लेकिन सेल कल ज्यादा कर ले हाँ। तो ये ज्यादा आसान है ना जी उसकी जी। सेल इंक्रीज कर जाएगी तो उसका इंसेंटिव तो ज्यादा ही बढ़ेगा हाँ। मैं दस uh, किताबें बेचूं और उस पर सौ रुपए कमाऊं इसकी बजाय मैं दो सौ किताबें बेचूं और उस पर पचास रुपए कमाऊं तो मेरा प्रॉफिट या मेरा मार्जिन बहुत ज्यादा होगा किताबों का मामला तो आपको समझ भी आता है माशा आपका कारवर वैसे जुड़ा हुआ है ना लेकिन ये है कि वाकई आपकी बात सही है और हमें इस मामला में ना ट्रांसपेरेंट होने की बहुत जरूरत है मैं आपका अजी वाक्य बताऊँ एक दफा मैंने ने गाड़ी खरीद ली और उसमें मुझे पता चला कि इसमें ना कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स डिफेक्ट डिफेक्ट्स अब मैं अपने बायर को बताना जो भी पोटेंशियल बायर उनको तो बताना चाह रहा था कि भाई इसमें यह मसला आता है ये मसला आता है मेरी गाड़ी नहीं बिक रही थी मतलब मेरे लिए इतना बड़ा मसला हो गया कि मैं सच बोल रहा हूं मेरे लिए निकालना मुश्किल हो रही है ये ये तो मेरी एक छोटी सी मिसाल है ना इस तरह की आप लाइफस्टाइल में लोगों को देखें बड़े बड़े मसाले मिलती हैं अपने मसले इसमें जो है ना वो क्रिएट हो रहे होते हैं दूसरी एक बात देखिए ना ये तो खैर एक एंगल हो गया ना दूसरा है हमारा बैंकिंग सेक्टर जी आपका तो ख़ुद इस सब्जेक्ट इस फील्ड से ताल्लुक़ है इसमें हमारे लिए सूद कितना इन्वॉल्व है जगह जगह देखिए वो जो आयत है जिसमें फरमाया कि सूद ना खाओ उसके बाद फरमाया कि जो शख़्स सूद खाएगा जानबूझ तो फिर अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए तैयार हो जाए ऐसे आपको आपने एक ऐसी ज़बरदस्त बात बताई और मेरा क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड है अकाउंटेंसी की तरफ में बड़ी सिंपल सी लॉजिक है अगर हम सूद कमाएंगे तो हमारे पैसा इनफ्लो बढ़ेगा और अगर हम जक़त देंगे या सदखा देंगे हमारे पैसा कम होगा लेकिन अल्लाह ताला ने उल्टी बिल्कुल रिवर्स बात की है मतलब हमारी जहन में नहीं आती वाली रिवर्स बात किया है कि अगर हम लोग जकवात देंगे या सदखा देंगे हमारा माल बढ़ जाएगा और सूद अगर हम कमाएंगे तो माल घट जाएगा अच्छा मैं इसको सेकेंड करता हूँ कुछ अलग यानी कुछ तो हमारे बड़ों ने बताए हुए तरीके हैं कुछ अपने एक्सपीरियंस है जक़ात है अगर कोई आदमी चाहे कि उसकी आमदनी बढ़ जाए तो जक़ात अदा करें जी एक अच्छा एक मजे की बात तो बताऊँ हदीस में दूसरी शाद, शादी भी है दूसरी शादी नहीं लेकिन शादी का जिक्र बात, बात नहीं है लेकिन खैर मज़ाक से हटके के ये बात बताऊँ ये जो है ना अपने एम्प्लॉज सबॉर्डिनेंट से अच्छा सलूक करना ये ख़ुद एक ऐसा फैक्टर है जो अपनी इनकम इंक्रीज़ करता है एक तीसरा फैक्टर पता है क्या है इंटरेस्टिंगली जक़ा अदा कर दें दूसरा है तीसरा है जिनसे आपने रिसीवेबल्स है ना जहाँ जिस एंड पे वहाँ आप नर्मोनियंसी खैर भाई पहली बात तो ये है कि आज आप किसी तरह घर ना जाएगा आपने जो दूसरी शादी वाली बात की है ना मेरे घर जाए अच्छा देखिए हदीस में दूसरी शादी की बात नहीं है <laughs> वहाँ शादी की बात है नहीं बस सही है इस पर ना लीनियंसी देनी चाहिए कर्जदारों को और इन इन लोगों को थोड़ा सा लीनियंसी दें इसमें बड़ी बरकत होती है अभी मेरे मेरे दोस्त ने बताया छोटा सा वाक्य है उसने कहा कि मैंने ना एक मदरसे में पानी का मसला हो रहा था वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन की दो तीन हजार रुपये पाँच हजार रुपए वो किए साथ ही उसको अचानक जो है वो कोई माशा वो फ्री लांसिंग का काम करता है दूसरा चीज़ों का काम करता है उसको चार पाँच सौ डॉलर का ऑर्डर मिल गया बस अ वेरी सिंपल थिंग मतलब हम इसको अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला किस तरह नवाजते हैं इसका हमें वहम गुमान भी नहीं होता वहाँ से नवाजते हैं हमारे अच्छा देखिए एक हम अगर इसको देखें ना लिंक तो चैरिटी गोया के वो कितनी इंपॉर्टेंट है अच्छा हमारे यहाँ कल्चर एक रमज़ान में ना हम चैरिटी करते हैं मेरा ख्याल है कि हम ये जो पॉइंट है ना चैरिटी पर्टिकुलरली जक़ात सदक़ात ये वाला पॉइंट ना हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल हैं बिल्कुल बातें हम इसको इसी में जोड़ेंगे और नाजरीन से दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ जुड़े रहिए इन मामलों में मजीद बात होती रहेगी दिखते रही है रमज़ान लाइफ स्टाइल